الحمد لله العلي العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدب والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. पिछले जुमा आखिर में हमारी बात यहां तक पहुंची थी कि बंदा मोमिन अपने रब की इबादत से कभी भी गाफिल नहीं होता, क्योंकि इसकी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मोमिन जिस हाल के अंदर ही क्यों ना हो, ये अपनी इबादत, अपने रब की इबादत के अंदर लगा रहता है। ये तिजारत के अंदर भी अपने रब की इबादत ही कर रहा होता है। ये दुनिया का कोई मामला ही क्यों ना कर रहा हो, अपने रब की इबादत से गाफिल नहीं होता। जिस भी हाल के अंदर हो, गफलत के अंदर नहीं होता। हा दुकानदारी कर रहा हो, हा तजारत कर रहा हो, मईशत कर रहा हो, मुआमलात कर रहा हो, निकाह कर रहा हो, अकूदात कर रहा हो, अपने अखलाकियात का मुजाहरा कर रहा हो, हर हाल के अंदर अपने रब की इबादत से गाफिल नहीं होता। तजारत करना इसकी मजबूरी है। मेहनत और मजदूरी करना इसकी मजबूरी है। दुनिया के अंदर कामकाज करना इंसान की मजबूरी है। अगर नहीं करेगा तो अपनी बीवी और बच्चों को पेट जो है ना, वो कैसे पालेगा। शरीयत इस तरह की रहबानियत का हमें हुक्म नहीं देती कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हाथ में तस्बीह पकड़ के अल्लाहु अल्लाहु करने लग जाए। ये कोई कमाल की बात नहीं होती कि इंसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना, अल्लाह की इबादत की तरफ लग जाए।
असल कमाल की बात तो यह है कि मुआशरे का एक फर्द बन के मैं मुआशरे की इस्लाह भी करूं और फिर साथ जो है ना अल्लाह का हक अदा करूं। असल कमाल की बात यह है कि मेरे इर्द गिर्द जितने शैतानी वसवसे हैं उनको तोड़कर मैं अपने रब का हुक्म भी पूरा करूं और अपने बाल बच्चों की तरबियत भी करूं। असल कमाल की बात यह है कि मैं तजारत भी करूं, अपनी बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा भी डालूं और अपने रब की इबादत की तरफ भी मेरी तवज्जो। असल कमाल की बात यह है कि मैं दुनिया के धंधे भी करूं हलाल और जायज तरीके से, और जिस वक्त नमाज का वक्त हो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने रब की याद के लिए मस्जिद के अंदर भी हाजिर हो जाऊं। दुनिया की तजारत के अंदर यूं मगन हो जाना कि रब भूल जाए, ये मोमिन का शेवा नहीं। दुनिया की दौलत इकट्ठी करने में मैं यूं मगन हो जाऊं कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म भूलने लगे, इसका मतलब यह है कि इसका ईमान कामिल नहीं। दुनियादारी भी मैंने साथ करनी है, अपने बाल बच्चों की तरबियत भी करनी है, अपना और अपने घर वालों का पेट भी मैंने पालना है, लेकिन हकूकुल्ला भी जो है मैंने पूरे करने। मोमिन दुनिया की तजारतों के पीछे लग के अपने रब को भूलता नहीं है। मोमिन अगरचे दुनिया की तजारतें करता रहे लेकिन उसकी फिक्र जो है वो आखरत की तरफ होती है कि मेरी आखरत संवर जाए, मैं आखरत में कामयाब हूं। दुनिया तो जैसे कैसे है, गुजर ही जाएगी। जो रिजक अल्लाह ने मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है वो मिल के रहेगा। उतनी देर तक इंसान के ऊपर मौत नहीं आती जब तक वो उतनी रोटी नहीं खा लेता, उतना रिजक नहीं खा लेता जितना अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसकी असल फिक्र दुनिया की तजारत की नहीं होती। मोमिन की असल फिक्र जो होती है वो अल्लाह के साथ तजारत वाली होती है कि जो तजारत मैं अपने रब के साथ कर रहा हूं उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। कुरान पाक की इस आयत मुकद्दसा के अंदर अल्लाह ने इसी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت इन घरों में, बुयूत से यहां हमारे वो घर नहीं है जहां हम रहते हैं। घरों से मुराद वो घर जो अल्लाह के घर है, मसाजिद मुराद है। फी बुयूत इन मस्जिदों के अंदर बिइज़्निल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ये है अन तुरफा के इनको बुलंद किया जाए। वयुज़्कर फी हस्मुहु इसके अंदर उसी का नाम जिक्र किया जाए। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वलासाल इन मस्जिदों के अंदर उसी की तस्बीह बयान की जाए। सुबह भी उन्हीं की तस्बीह हो, शाम के वक्त भी उसी की तस्बीह हो। ये अल्लाह का हुक्म है कि इन जगहों को बुलंद किया जाए। अंतुरफा इसकी मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ तफसीर की है। अंतुरफा कि अल्लाह की मसाजिद को बुलंद किया जाए। बुलंद करने का एक मतलब यह है कि इन मस्जिदों को इनकी तामीर और तरक्की की जाए। तामीर के लिए भी तुरफा का लफ्ज जो है ना बोला जाता है। कुरान पाक का दूसरा मकाम وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
जिस वक्त मेरे बंदे इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्ला की तामीर कर रहे थे। यरफाओ, इधर वही लफ्ज़, लफ्ज़ वही है, बस एराब जो है ना वो दूसरा है। अंतुरफा, बुलंद किया जाए, बुलंदी से मुराद मस्जिद की तामीर और तरक्की भी है। ईमान वाले बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलामत ये बयान की है कि वो मस्जिदों को तामीर करता है, और सिर्फ अलामत नहीं, अल्लाह ने उसकी सिफात भी बयान की। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअक़ामस सलाता वआता ज़कता वलम यख्शा इल्लल्लाह। मस्जिद की तामीर और तरक्की और मस्जिद का जो मुतवल्ली होता है अल्लाह ने उसकी सिफात बयान की। पहली सिफत ये है, मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह की तौहीद के ऊपर भी उसका ईमान और यकीन होता है। अगर अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान और यकीन नहीं, फिर मस्जिद तामीर करेगा तो फिर तो वो शिर्क का अड्डा बन जाए। पहले नंबर पे अल्लाह की तौहीद के ऊपर उसका कामिल ईमान होना चाहिए। वल यौमिल आखिर, रोजे आखिरत के ऊपर भी उसका यकीन होना चाहिए। मस्जिदें तो मुशरिकीन भी तामीर किया करते थे, बैतुल्ला की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन ये दोनों चीजें उनके अंदर नहीं थी। अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान भी कामिल नहीं था और रोजे आखरत के ऊपर उनका यकीन भी नहीं था। उनकी मस्जिद बनाने का वो अजर और सवाब उनको नहीं मिले। मन ना मना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वअक़ामस सलाता, मुतवल्ली की तीसरी सिफत के वो नमाज को कायम करने वाला हो। और मुआशरे के अंदर आपने देखा होगा अक्सर जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं बेनमाज हैं। मस्जिदें उन्होंने बना दी है लेकिन नमाजी नहीं बन सके, ना उनकी औलादे नमाजी जो है ना वो खुद जो है ना वो नमाजी हैं जी। मस्जिद का मुतवल्ली वो होना चाहिए जो पांच वक्त मस्जिद के अंदर हाजिर हो के बाजमात नमाज पढ़ने वाला हो, जो सच्चा नमाजी हो। व आत ज़कता, ज़कात को अदा करने वाला हो। वलम यख्शा इल्लल्लाह, पांचवीं सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान की, उसके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। और मैं समझता हूं ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफत बयान की, बड़ी जबरदस्त सिफत बयान की। आप देखें अक्सर जो मस्जिदें तामीर करने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर खौफ ही लाई नहीं होता, तकब्बुर होता है, ऐसा डी मस्जिद है, हम इसके मालिक हैं। हालांकि मस्जिद की जो जगह होती है उसका कोई मालिक नहीं होता। जिस वक्त मस्जिद बना दी गई वहां पे अजान और नमाज शुरू हो गई, बस उसकी मलकियत से निकल गई है, अब तो वो अल्लाह की मलकियत में आ गई है। हाँ, एक दुनियादारी के एतबार से उसका इंतजाम और इंसराम करने वाला वो अफराद, वो फर्द है, ये उसके लिए बायस एजाज है, लेकिन अब उसकी मलकियत नहीं है। मलकियत ना होने का मतलब यह है कि अगर वो बंदा जिसने मस्जिद के लिए जमीन को वक्फ किया है, उसकी जाती जमीन के ऊपर जब मस्जिद बन गई है, उसकी वफात के बाद उसकी औलाद बतौर तरका इसको तकसीम भी नहीं कर सकता, ना वो उसको बेच सकता है, ना वो उसको खरीद सकता है, मस्जिद की बैशरा नहीं होती। ये उसकी मलकियत से निकल गई है। तो मस्जिद तामीर करते हुए अपने दिल के अंदर डर और खौफ होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यहां पे ये जो बयान किया गया ना, लम यख्शा इल्लल्लाह, इसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। आमतौर पे मस्जिद तामीर करने वाले जो लोग होते हैं वो जिद की वजह से तामीर करते हैं। ऐसी मस्जिद, ये चौधरियों की मस्जिद है, साड़ी जट्टा की मस्जिद तो है को नहीं, उन्होंने जनाब उनके मुकाबले के अंदर मस्जिद खड़ी, बट्टानी मस्जिद उन्होंने उनके मुकाबले के अंदर जो है ना वो खड़ी की है, फला कबीले की मस्जिद, ये फला बरादरी की मस्जिद, ये फला बरादरी की मस्जिद। वो अपनी बरादरी के अंदर नाक ऊंचा करने के लिए मस्जिद जो है ना वो बनाते हैं। हालांकि मस्जिद बनाने का मकसद ये होना चाहिए कि यहां पे आने वाले एक अल्लाह की इबादत करें और यहां पर अल्लाह की तौहीद के गीत गाए जाए। दिल के अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, इसलिए मस्जिद तामीर करने वाला जो इंसान है अल्लाह ने उसकी पांच सिफतें जिक्र की हैं। एक ये माना मुराद है अंतुरफा से, एक रवायत के अंदर आता है
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक़्त अपने दौरे खिलाफत के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ की असर नो तामीर करने लगे ना, तो कुछ सहाबा ने रुकावट डाली कि ये काम नहीं करना चाहिए, अल्लाह के पैगंबर ने जिस तरह मस्जिद बनाई उसी हैत में रहनी चाहिए, उसी शक्ल में रहनी चाहिए, क्या इसकी जरूरत है। जिस वक्त सहाबा इकराम का इसरार भरा ना, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये कलमा सुना है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिस इंसान ने रूए जमीन के ऊपर अल्लाह के घर को तामीर किया, अल्लाह जन्नत के अंदर उसका महल तमीर करेंगे। अब सहाबा जो है ना वो बैठ गए। हजरत उस्मान को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खसूसियात अता की हुई थी, उनकी ये भी खसूसियत है कि उन्होंने मस्जिद की तामीर और तरक्की बड़ी खूबसूरत तरीके से की थी, बल्कि एक रवायत में आता है कि अजम के इलाके से सागवान की बड़ी कीमती लकड़ी मंगवा कर उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है ना उसके अंदर किया था। लेकिन उस मस्जिद की तामीर और तरक्की के ऊपर जितना खर्च आया था वो आपने बैतुल माल से नहीं लिया, हुकूमत के अहराजात से नहीं निकलता, अपनी जाती पे पैसे जो ना अपनी जेब से जो ना मस्जिद की तामीर जो ना वो कराई। इससे उलमा ने एक ये भी मसला निकाला है कि जिस वक्त मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर खाम खा की तजयीनों आरइश की जाए ना, तो मस्जिद के जाती फंड से ना की जाए। हाँ कोई बंदा जो है ना अपने जेब से अगर करना चाहे तो ठीक है, उसकी मर्जी है, करे, लेकिन मस्जिद का जो जाती फंड है उससे इसकी तजयीनों और आयश के ऊपर खर्च ना किया जाए। बहरहाल अंतुरफा से एक माना इसकी तजयीनों और आयश की तरफ इशारा है, और अंतुरफा से एक माना मुफस्सरीन ने यह भी लिया है कि मस्जिद के अंदर नजासत और गलाजत को भी ना फेंका जाए, इसकी पाकीजगी और सफाई और सुथराई का खूब ख्याल जो है ना वो किया जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस इंसान ने मस्जिद की सफाई और इसके अंदर से गलाजत और नजासत को हटाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी जन्नत के अंदर महल की खुशखबरी सुनाई। हम क्या करते हैं, असा जी मस्जिद वास्ते एक खादम रखे हैं, वो सफाई करे, वो जाने और वो उसका काम जाने, हम क्यों सफाई करें ना। मस्जिद की सफाई को अपना एजाज समझा कर हर बंदा अपने दिल के अंदर ये शौक रखे कि ये अल्लाह का घर है, जिस तरह हम अपने घरों के अंदर कोई ऐब नहीं समझते सफाई करते हुए, इसी तरह अल्लाह के घर के अंदर भी सफाई करने को एजाज समझा करें, बायसी ऐब ना समझा करें, ये अल्लाह का घर। तो एक ये भी जो है ना इसका माना जो है ना लिया गया अंतुरफा, एक अंतुरफा से ये माना भी लिया गया कि मस्जिद के अंदर आते हुए अगर कोई बंदा थोम वगैरह प्याज वगैरह इस्तेमाल करता है तो वो मुंह को अच्छी तरीके से साफ करके आए ताकि आने वाले नमाजियों को दिक्कत ना हो, ईज़ा ना पहुंचे, अल्लाह के फरिश्ते भी यहां पे मौजूद होते हैं उनको ईज़ा ना पहुंचे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया। अच्छा लहसुन और प्याज खा के आने से मना किया है तो क्या ख्याल है आपका, सिगरेट पी के आना जाएगा, बंदा दूर हो ना, इस सुतून जितना दूर हो तो बंदे के मुंह से बदबू आने लग जाती है कि पता चल जाता है इसने सिगरेट पिया होगा। सिगरेट पान नस्वार मूली लहसुन प्याज ये जो चीजें जो बू छोड़ती हैं, खुदा रहा जब मस्जिद के अंदर आए तो अच्छी तरीके से कुल्ली करके आया करें, मिसवाक करके आया। और बाजू ने अंतुरफा से यह भी मुराद लिया है कि मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीजों का ऐलान भी ना किया जाए, हत्ता कि कोई बंदा मर जाए तो उसका भी ऐलान जो ना मस्जिद के अंदर ना किया जाए, मस्जिद से बाहर किया। हमारी मस्जिदों के अंदर पता नहीं किस किस किस्म के ऐलान होते हैं, किसी की कोई बकरी भी गुम हो जाए तो वो भी जनाब मस्जिद के अंदर आके ऐलान करने लग जाता है। यह मस्जिद के हदूद से बाहर अगर स्पीकर है तो फिर ठीक है, जायज है, जैसे हमारी इस मस्जिद के अंदर ऊपर स्पीकर पड़ा हुआ है, अगर कोई ऐलान करता है तो वो मस्जिद की हदूद से बाहर।
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के लिए बददुआ की है जो मस्जिद के अंदर आके अपनी गुमशुदा चीज का ऐलान करता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कभी भी तुम्हें ना मिले। इसी तरह अंतुरफा से एक माना यह भी मुराद लिया गया है कि ऐसे छोटे बच्चे जो पेशाब कर देते हैं उनको भी मस्जिद के अंदर ना लाया जाए, वगैरह वगैरह। मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ जो ना अक़वाल बयान किए। आइए आगे चलते हैं। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अंतुरफा वयुज़्करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुव्वि वल्आसाल। इन घरों के अंदर अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि इन घरों को तुम बुलंद करो, इसके अंदर अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की हमद और सना होनी चाहिए, अल्लाह की तस्बीह होनी चाहिए, अल्लाह की तहलील और तकबीर और तस्बीह और तकदीस का इजहार होना चाहिए, सुबह भी होना चाहिए, शाम के वक्त भी होना चाहिए। और बिलगुदुब वल आसाल का लफ्ज बोल के सारा वक्त मुराद लिया गया, दिन का सारा वक्त, रात का सारा वक्त, हर वक्त। इसके अंदर ऐसे अफराद होने चाहिए जो नमाज के लिए आए, जो नवाफल के लिए आए, जो जिक्र और रोजगार के लिए आए, जो तस्बीह और तकदीस के लिए आए, जो अल्लाह की तहारत बयान कर रहे हो, अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहे हो, शिरक से पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के गीत इसके अंदर जो है ना वो गाते हो। और हमारी मस्जिदों में क्या होता है जी, ऐसी ऐसी नाते पढ़ी जाती हैं जिसके अंदर शिरक की तबलीग होती है, ऐसी ऐसी मौलवी तकरीरें करते हैं जिसके अंदर शिरक का पैगाम होता है, शिरक की तबलीग जो है ना वो होती है, मस्जिद खचा खच भरी होती है। और फिर वो क्या कहते हैं जी, मौलवी साहब कहते हैं देखा साजी सुनिया दी मस्जिद जनाब कितना रश है जी, एना भाभी दी मस्जिद दे विच वरदा ही कोई नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते, इसको हक्कानियत की दलील जो है ना वो बनाते हैं। ना, मसला समझ लीजिएगा, अगर मस्जिद खचा खच अफराद से भरी हुई हो और उस मस्जिद के अंदर शिर्क की तबलीग होती हो और उसके मिंबरों मेहराब से शिर्किया नाते जो है ना वो गूंजती हुई हो, खुदा की कसम वो मस्जिद जो है बे आबाद और वीरान मस्जिद के हुक्म में बेशक जो है ना वो खचा खच भरी हुई है। क्यों? अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ना, जो सब बिगुलहू फीखा बिलगुदुब विवल्लासाल वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदूम अल्लाह अहदा। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके अंदर उसी की हमद और सना होनी चाहिए, उसकी वहदानियत के तज़किरे होने चाहिए, उसकी तौहीद के गीत गाने चाहिए, शिर्क की इजाजत यहां पे नहीं है। रिजालुन, अगली बात अर्ज ये करना चाहता हूं, मस्जिद से मोहब्बत किया करें। मस्जिद शाइरुल्लाह है, अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की अल्लाह ने इनको ताजीम के लायक बनाया। और आपको एक बड़ी अजीब हदीस सुनाता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो इंसान अपने रब से मोहब्बत करना चाहता है वो मैं मोहम्मद से मोहब्बत करे, और जो इंसान मैं मोहम्मद से मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहिए कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, और जो इंसान मेरे सहाबा से मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहिए कि अल्लाह की किताब कुरान से मोहब्बत करे, और जो इंसान अल्लाह की किताब और कुरान से मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहता है उसको चाहिए कि अल्लाह के घरों मसाजिद के साथ मोहब्बत करे। ये मेरे नबी का फरमान है। और आपको एक और हदीस सुनाऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात किस्म के लोग ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत कल हशर के मैदान के अंदर अपने अरश के साए के नीचे जगह देंगे। सात किस्म के लोग होंगे, उन सात किस्म के अलावा बाकी सारे जो है ना शराबूर होंगे अपने पसीनों के अंदर, उनको जो है ना थरथराहट का शिकार होंगे, कांप रहे होंगे खौफ की वजह से। लेकिन सात किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनको कोई डर और खौफ नहीं होगा, अल्लाह उनको अपने अरश के साए के नीचे जगह देंगे। एक उन सात किस्म के लोगों में से एक बंदा वो है, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। एक वो बंदा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद के अंदर अटका हुआ है, मुअल्लक है, लटका हुआ है। अभी नमाज पढ़ के बाहर निकला, अगली नमाज की फिक्र लग गई है, फिर अगली नमाज की फिक्र है,
इतना बाहर उसका जी नहीं लगता जितना अल्लाह की मस्जिदों में लगता है। ये बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं खुदारा, मस्जिदों के साथ मोहब्बत किया करें, अल्लाह के घर को आबाद किया करें। कुछ नमाजी ऐसे होते तो नमाजी हैं, लेकिन जो है ना वो घरों के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद के अंदर आते ही नहीं है। ऐसा ना किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपके ऊपर नमाज को मुकर्रर वक्त के अंदर किया है, मोमिन बंदा जो है वो मस्जिद के अंदर हाजिर हो। ये मोमिन का काम है कि वो मस्जिद के अंदर आए और अल्लाह के घर को आबाद करे, नमाज को बाजमात अदा किया करे। तवज्जो, वो जो हदीस आपको सुना रहा था वो हदीस क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान से मोहब्बत करता हो उसको चाहिए कि अल्लाह की मसाजिद से मोहब्बत करे। जिस वक्त अल्लाह की मसाजिद से मोहब्बत करते हुए इसके अंदर नमाज कायम करने के लिए आ जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीजों को छोड़कर मस्जिद के अंदर आया है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत खुद करते हैं। मोमिन के माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की, आल की, औलाद की अल्लाह खुद हिफाजत करता। और इसी रवायत का एक टुकड़ा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन मस्जिदों के अंदर आके नमाज पढ़ता है, ये मस्जिदें ऐसी जगह हैं, ये बड़ी बाबरकतें जगह है, ये जगह भी बाबरकत है, और जो इस बरकत वाली जगह के अंदर आ जाता है अल्लाह उसको भी बरकतों से नवाजता है। ये जगह भी ऐसी है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफाजत की, और जो इस जगह के अंदर आने वाले सच्चे नमाजी हैं उनकी हिफाजत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद करते हैं। तो मस्जिदों के साथ मोहब्बत का इजहार किया करें। अगली आयत, रिजालुल्लाह तुल्खीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐसे मर्द, कुछ ऐसे मर्द भी हैं, ला तुल्खीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये सूरह नूर की आयत नंबर 37 है, घरों में जाके बेशक तर्जमा देखें। ऐसे मर्द भी हैं उनकी तजारतें, उनकी खरीदो फरोख्त उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं बनाती, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं बनाते, बल्कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इकाम सलाती वही ताई जकाती नमाज को कायम करते हैं। और आप कभी गौर करें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज कैसा बोला, रिजालुन। रिजाल किसको कहते हैं? मर्दों को। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि मस्जिद को आबाद करना जो है ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। रिजालुन रिजालुन रिजालुन, ये मर्दों का काम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन नमाज उसके घर की तंगो तारीख कोठरी के अंदर। जितनी अल्लाह को वो महबूब है ना, जितनी वो पर्दों के अंदर लिपट के नमाज पढ़ेगी मस्जिद में, इतनी महबूब आते। ये भी ना समझियो मत बात जाके शोर मचा दो, मौलवी ने कह के औरत मस्जिद नमाज पढ़ नहीं सकती। ना, मैं ये नहीं कह रहा, औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन अफजल ये है कि वो अपने घर की तंगो तरीक कोठरी के अंदर पढ़े। क्यों? रिजाल, ये मस्जिदों को आबाद करना रिजाल का काम है, निसा का काम नहीं है, औरतों का काम नहीं है। और मर्द जो होते हैं उनकी तिजारत उनको रब की इबादत से गाफिल नहीं बनाते, वो नमाजों को भी कायम करते हैं, जकात भी अदा करते हैं, अपनी नमाजों को कायम करने के लिए तिजारत को छोड़ छाड़ के मस्जिद के अंदर आएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत मुकद्दसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाजार वालों के लिए नाजिल की, जो बाजार के अंदर जिनकी दुकानें हैं, तजारतें करते हैं, मईशत करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजल की। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार के अंदर जा रहे हैं, कान के अंदर अजान की आवाज आई,
लोग अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद की तरफ दौड़ने लग पड़े। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यही वो लोग हैं जिनके मुतल्लक अल्लाह का कुरान कहता है, रिजालुल्ला तुल्खीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्ला। वो इन्हीं के लिए कहा। मेरे नबी के दौर के अंदर दो सहाबी ऐसे थे, एक जो ना लोहार का काम करता था, एक तजारत का काम करता था। लोहार का काम जो करने वाला था, हथौड़ा उठाया हुआ है, लोहे को कूट रहा है, कान के अंदर अज़ान का कलमा क्या पड़ा, हथौड़ा ऐसे उठाया पीछे ही फेंक दिया, ज़रब नहीं लगाई, हथौड़े को छोड़कर मस्जिद के अंदर आ। तजारत करने वाला तजारत कर रहा है, तराजू उठाया हुआ है तोलने के लिए, अभी उठाया है, कान के अंदर अजान की आवाज आई है, उधर ही तराजू नीचे फेंक के मस्जिद के अंदर आ। रिजालुल्ला तुल्खीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्ला। और बड़ी माजरत के साथ हमारा वतीरा क्या है, सुबह से लेके हम फारग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं जी, आज ते दुकान ते बोनी भी नहीं हुई, अजान की आवाज क्या आई, एक गाहक आ गया जी, अब छोड़ने का जी नहीं करता यार, बोनी तो करिए ना। वो बोनी क्या हुई, बोनी करते करते उस गाहक के अंदर ऐसा मशगूल हुआ, बाद जमात नमाज भी गई और जनाब जमात का वक्त भी बाद औकात जाता रहा। याद रखिए, नमाज के वक्त अगर गाहक आता है ना, तो वो गाहक नहीं है, वो शैतान है जो आपको आपकी नमाज से दूर करना चाहता। अगर आप नमाज के वक्त उस गाहक को छोड़कर, नहीं भाई मेरी नमाज का वक्त है, मैं अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद के अंदर जा रहा हूं, खुदा की कसम अल्लाह आपको ऐसा रिजक देगा ना। यही वजह कि अगली आयत में अल्लाह ने रिजक का तज़किरा किया, लियज़ियकुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू वयज़ीदकुम मिन फ़ज़ली वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, मैं इसको बेहतरीन रिजक दूं। ये है सच्चे ताजर जो दुनिया की तजारतों को तर्क करके अपने रब के साथ तजारत कर। असल तजारत ये है। आइए आपको हवाले के तौर पर एक और तजारत के मुतल्लक जो है ना वो आयत सुना देता हूं। कुरान पाक का एक मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाह वाकामुस्सला وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ। बेशक वो लोग, यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की किताब की आयात की तिलावत करते हैं। ये सच्चे ताजर की पहली सिफत है, जो अल्लाह के साथ तजारत करने वाला ना, पहली सिफत, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब के साथ उनकी मोहब्बत का इजहार जो है कि वो सच्ची तिलावत करते हैं। यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह को वो बंदा बड़ा महबूब है जो इंसान अल्लाह की किताब की तिलावत करता है। खुदा रा अल्लाह की किताब की तिलावत को अपनी नशिस्तो बरखास बना ले, हर वक्त अल्लाह की किताब की तिलावत किया करे, समझ के करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं है ना, बेसमझे भी करें ना, खुदा की कसम अजर से महरूम नहीं है। बेसमझे के लिए भी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अगर एक खरब पड़ेगा तो दस नेकियां। किसी शायर का कलाम उसके सामने पढ़ा जाए, वो कितना खुश होता है, बंदों को बताता है, जरा बंदा अशार पढ़ा ना, ये मेरा लिखा हुआ कलाम है। जब आप अल्लाह की किताब की तिलावत करेंगे, अल्लाह खुश नहीं होंगे। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करता है। अच्छा चलो दूसरा माना करता हूं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, तला यतलू का एक माना होता है पीछे पीछे चलना। तिलावत को भी तिलावत इसलिए कहते हैं कि आयतों के पीछे आयतें आती जाती आती जाती आती जाती, पीछे पीछे चलना। अब लफ्जी तर्जमा, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब के पीछे पीछे चलते हैं, जो अल्लाह की किताब की पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा पीछे पीछे कौन चलेगा, वही चलेगा जिसको समझ होगी। तो ये इशारा है इस बात की तरफ, खुदारा किताबुल्लाह को समझे,
अल्लाह की किताब हमसे क्या कहना चाहती है उसको समझने की कोशिश जो है ना वो किया करे। मोमिन की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलामत ये बयान की है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, जब उसके सामने कुरान की आयात की तिलावत की जाती है, ज़ादतुहुम ईमाना, उसके ईमान के अंदर इजाफा होता है। ईमान के अंदर इजाफा कब होगा? जब वो समझ रहा होगा। आपके सामने पूरा कुरान पढ़ लिया जाए, जब आपको तर्जमा ही नहीं आता कैसे ईमान के अंदर इजाफा होगा? खुदा रा अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश। ईमान के अंदर इजाफे का सबब तभी बनेगा जब आप अल्लाह की किताब को समझते होंगे, फिर जब कुरान की आयतें आपके सामने पढ़ी जाएंगी आपका ईमान बढ़ेगा और ज्यादा मजबूत होगा। हाँ, मेरा अकीदा और नजरिया कुरान के ऐन मुताबिक। अल्लाह की किताब को समझें, यतलूनहू हक्का तिलावती ही का यही मतलब है कि वो तिलावत ऐसे करते हैं जैसे उसका हक है। हक क्या है? कि उसको समझ के पढ़े, पहली बात। दूसरी बात, वइकामत सलात, नमाज को कायम करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, काला अस्सलातु लिवक्तिहा फी रिवायतिन अस्सलातु फी वक्तिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तमाम इबादात में सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल अल्लाह को कौन सा लगता है? मेरे नबी ने कहा, नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा कर। हमारी नमाजें कैसी होती हैं? कजा हो रही हैं जी, कितनी कितनी कजा हम इकट्ठी पढ़ते हैं। अल्लाह को ये महबूब नहीं है। नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा करना, ये अल्लाह को महबूब है। वो काम किया करो जो अल्लाह का महबूब काम जो ना हो। अस्सलातु लिवक्तिहा, अस्सलातु फी वक्तिहा, ये दूसरी चीज थी। इसलिए कि नमाज जो है ना, ये बहुत सारी बुराइयों से इंसान को रोकती है। इन सलातनहानिल फक्शाई वल मुनकर, इंसान को बेहयाई से रोकती है। बाहया इंसान वही होता है जो सच्चा नमाजी होता है, जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है बेहया है। बुराई से रुकना चाहते हो, सच्चे नमाजी बन जाओ, नमाज को कायम करने वाले बन जाओ। मस्जिद के अंदर आके पांच वक्त की नमाज बा जमात आदाब का लिहाज करते हुए, अच्छी तरह वुजू करते हुए, फराइज और सुनन और वाजबात का लिहाज करते हुए, पूरे खुशू और खुजू के साथ अदा करना, ये सच्चा नमाजी। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, इंसान को तो चाहिए हर वक्त अपने रब को याद करता रहे। ये रब को याद करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इस जुमले को पीछे के साथ जोड़ना चाहता हूं। इन सलातन हानिल फक्शाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। ये नमाज अल्लाह का तमाम जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र है। एक जिक्र तुम करते हो ना, मस्जिद की बत्तियां बंद जी, कमरे की बत्तियां बंद जी, सरों के ऊपर कपड़े डाल लो जी, हु 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 हु, ये क्या हो रहा है? ये जिक्र हो रहा है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? वला जिक्रुल्लाहि अकबर। मोमिन जो होता है ना, वो सिर्फ मस्जिद के अंदर जिक्र बिल जाहर का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो हर वक्त अपने रब को याद रखता है। यही अल्लाह का जिक्र। वो तजारत कर रहा हो, हलाल तरीके से अगर तजारत कर रहा है ना, तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल है। वो अपने बीवी के साथ मुआमला कर रहा हो, अपने बच्चों की तरबियत कर रहा हो, वालदैन की खिदमत कर रहा हो, अपने दोस्त के साथ, अपने करीबों के रिश्तेदारों के साथ अगर मुआमलात करते हुए अल्लाह से डरता है ना, तो ये अल्लाह का जिक्र है। वो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, ये सारे काम आप करते रहे, नमाज भी गया, रोजा भी गया। बाद लोग ऐसे भी होते हैं मुआशरे के अंदर, उनका जो है ना, दूसरे लोगों के साथ तो बड़ा हुस्ने सलूक होता है, किसी को दाव नहीं लगाया, फरार नहीं लगाया, लेकिन नमाजी भी कोई नहीं होते, रोजे भी नहीं रखते। इसका मतलब ये कि लोगों के साथ तो इसने अच्छा मुआमला किया है, लेकिन जो रब के हुकूक थे वो इसने पूरे नहीं किए। अल्लाह के हुकूक भी पूरे करने हैं और लोगों के हुकूक भी पूरे करने, तब तुम कामिल इंसान। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, नमाज जो है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। क्यों? इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अल्लाह की तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तमजीद भी है, तकबीर भी है, तकदीस भी है,
रुकू भी है, कुरान की आयात की तिलावत भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ऊपर दुरूद भी है, अपने लिए और अहले खाना के लिए दुआएं भी हैं। इसलिए तमाम जिक्रों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के अंदर जमा किया है। और आप कभी गौर करें ना, जो इंसान नमाज के लिए आता है ना, वो अपनी तजारत को भी छोड़ के आता है, गोया माल की कुर्बानी करके भी आ रहा है। जान की तो कुर्बानी कर ही रहा है, अल्लाह की हमद सना तो कर भी रहा है। मैं कहता हूं नमाज एक ऐसी इबादत है जो माली इबादत के साथ भी ताल्लुक रखती है। कैसी? अपनी दुकान को बंद करके मस्जिद के अंदर आए, माल को कुर्बान करके आया कि नहीं करके? वाला जिक्रुल्लाह अकबर, इसलिए अल्लाह का महबूब तरीन अमल जो है ना वो नमाज है। दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व क़ामुस्सलात व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, खुफिया तरीके से भी सदके करता है, एलानिया तरीके से भी सदके करता है, छुप छुप के भी देता है, जाहिर करके भी देता है। जहां मकाम जाहिर करने वाला था, लोगों की तोहमत का खदशा था, वहां जाहिर करके सदका देता है, ज़कात जाहिर करके देता है, फितराना जाहिर करके देता है, कुर्बानियां सबके सामने करता है। लेकिन जहां नफली सदके की बात आ गई, वहां ऐसा छुप के देता है बस उस गरीब को पता है और इसको पता है, दिखलावा नहीं करता। खुदा रा, जरूरी है कि गरीब बंदा आपके घर पे आके दस्तक दे के मेरी मदद करो? कमाल तो ये ना कि आप गरीब के घर में खुद पहुंचाए, ये कमाल की बात, ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अल्लाह अकबर। तीन सिफ्तें जिसके अंदर है ना, अल्लाह कहते हैं यरजूना तिजारत लन तबूर, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसी तिजारत की है लन तबूर, जिसके अंदर घाटा नहीं है लन तबूर, जिसके अंदर नुकसान नहीं है लन तबूर, जिसके अंदर खसारा नहीं है। ओए दुकानदारों, ओए फैक्ट्रियां चलाने वालों, ओए कारोबार करने वालों, ओए बड़े बड़े सरमाए को लगाकर मईशत को मजबूत करने वालों, दुकानदार दुकानदार करता है ना, खुदा की कसम कम अकल होने की वजह से बाज़ औक़ात तजारत में उसको घाटा होता है, नुकसान उठाना पड़ जाता है, मईशत डूब जाती है, खसारा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, सरमाया डूब जाता है, बल्कि इससे भी बढ़कर कर्जों के बोझ तले आ जाता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं दुनिया की तजारतों के अंदर तुम खसारा उठा बैठते हो, दुनिया की तजारत के अंदर नुकसान कर बैठते हो, आओ मैं अल्लाह तुम्हें बताता हूं जिसमें खसारा कोई नहीं है। वो कौन सी तजारत? पहली तजारत यतलूना किताबल्लाह व क़ामुस्सलात व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारत लन तबूर, इस तजारत के अंदर तुम्हें घाटा नहीं, ये तजारत किया करो ना। अल्लाहु अकबर। आइए एक और आयत सुनाता हूं, टाइम तो खत्म हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं अल्लाह तुमको बतलाता हूं एक ऐसी तजारत जो तुम्हें इतना बड़ा नफा देगी, तुंजीकुम तुमको निजात दे देगी, किससे? अज़ाब अलीम से। अच्छा, अब हर बंदा, हर मोमिन बंदा ये चाहता है कि नहीं कि हम आखिरत में अजाब से बच जाएं? अच्छा, जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह, हम सब चाहते हैं कि हम जहन्नम के अजाब से बच जाएं। आओ फिर नुस्खा, कुरान का नुस्खा ले लो। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله, अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान ले आओ। तुमिनूना बिल्लाह, बिल्लाह ए बी तौहीद अल्लाह, अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान ले आओ, ऐसे कि अल्लाह को उसकी जात और सिफात में वहदहु ला शरीक समझो, कोई मुश्किल कुशा नहीं, अकेला अल्लाह मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा नहीं, कोई फरियाद रस नहीं, कोई बापा देने के ऊपर कादर नहीं, अली खजमेरी भी बेटे और बेटियां देने के ऊपर कादर नहीं, अजमेरी भी देने के ऊपर कादर नहीं, अब्दुल्ला शाह गादी भी देने के ऊपर कादर नहीं, सब कुछ देने वाली जात
अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। व तू इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इसकी इन सिफ़तों के अंदर कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई नबी, कोई मुर्दा, कोई जिंदा, कोई आलिम, कोई जाहिल उसका शरीक नहीं। इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आओ। तुमिनूना बिल्लाह, तुमिनूना बिल्लाह व रसूलिही, उसके रसूल के ऊपर भी तुम्हारा ईमान यूं होना चाहिए कि मैं अल्लाह को आखिरी रसूल मानता हूं, उसके बाद किसी और ने रसूल नहीं आना। फिर अपनी सारी जिंदगी उसकी ताबेदारी के अंदर, उसकी सीरत के मुताबिक, उसके अस्वाए कामिल और अस्वाए हुस्ना के मुताबिक जो ना मैं गुजारता हूं। बिदात को छोड़ने का ऐलान करता हूं, रस्म और रवाज को छोड़ने का ऐलान करता हूं। कुल तीजा सातवां दसवां ये मेरी नबी की सुन्नत की मुखालफत है। जिस वक्त एक बंदा कहता है ना तो मिनून बिल्लाह व रसूली ही, मैं अल्लाह के ऊपर भी ईमान लाया, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी ईमान लाया, तो फिर उसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजरनी चाहिए। ये नहीं कि बरादरी खड़े नहीं होने देती, चलो यार कॉल कर लेने, चलो नाम तब्दील करके इसको जनाब इज्तमाही दुआ का नाम दे देते, कुरान खानी का नाम दे देते हैं, दुआए खैर का नाम दे देते हैं। दुआए खैर हो, इज्तमाही दुआ हो, कुरान खानी हो, या कोई और नाम इसको दे दे, है वो बिदात। इसका मतलब यह है कि व रसूल ही तू मिनून बिल्लाही व रसूल ही के ऊपर इसका कामिल ईमान और यकीन नहीं। अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान अगर लेके आना है तो फिर उसकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। बिदात को छोड़ना पड़ेगा, रस्म और रवाज को छोड़ना पड़ेगा, खराफात को छोड़ना पड़ेगा, अपनी मनमानी को छोड़ना पड़ेगा। सुन्नत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारोगे फिर जो नजात मिलेगी, वगरना कुल्लु बिदातिन जलाला कुल्लु जलालतिन फिन्नार, बिदात तुम्हें जहन्नम के अंदर ले जाए। बरादरी नाराज होती है तो बेशक हो, बरादरी का नहीं तुमने ख्याल करना, इसको तुम राजी कर भी नहीं सकते। अगर कुल कर भी दो, तीजा सतवां दसवां कर भी दो, ये फिर भी राजी नहीं। फिर अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, अगर तौहीद और सुन्नत की इशाअत की खातर अगर तुम्हें जिहाद भी करना पड़े ना अपनी जान के साथ और अपने माल के साथ, तेरी जान भी इस इशाअत के ऊपर लग जाए, तेरा माल भी इस इशाअत के ऊपर लग जाए, तेरी औलाद भी इस इशाअत के ऊपर लग जाए, तौहीद और सुन्नत की इशाअत के ऊपर तेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, नलीम, ये वो बंदा है जिसने मैं अल्लाह से तजारत की है, अल्लाह जी इसको इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह कहते हैं या फिर लकुम ज़ुनूबकुम وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ। ये है इनाम, एक तजारत करो तो मैं अल्लाह कितने इनाम दे रहे, और दुनिया की तजारत घाटे का सौदा है। अल्लाह के साथ जो तजारत तुमने की है उसमें घाटा नहीं है, कामयाबी कामयाबी है। अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ला के जिस इंसान ने अल्लाह से तजारत किया वो कभी भी खसारे का सौदा नहीं कर सकता, नुकसान नहीं उठा सकता। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान नहीं लेके आया, अल्लाह भी मुश्किल कुशा, कोई और भी मुश्किल कुशा, अल्लाह भी हाजत रवा, शेख अब्दुल कादर जिलानी भी हाजत रवा, अल्लाह कहते हैं ये वो बंदे हैं उलाइकल्लज़ी नश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत्ती जारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, जिन्होंने हदायत के बदले में, मेरी तौहीद के बदले में, मेरी नबी की सुन्नत के मुकाबले के अंदर शिरक और बिदआत को अपने गले का तोक बनाया और कबूल किया, मा रबिहत्ती जारतुहुम, इनकी तजारत ने इनको नफा नहीं दिया, खसारे वाली तजारत की, अबदुल अबाद जहन्नम के अंदर जो है ना वो जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, मैं अल्लाह कभी भी इनको बाहर नहीं निकालूंगा। अर्ज ये करना चाहता हूं दुनिया के अंदर तजारत करें, हलाल तरीके से माल कमाएं, सारी जिंदगी कमाते रहें, लेकिन अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिस इंसान ने जिंदगी की उसने अल्लाह से तजारत की। दुनिया की तजारत में खसारा हो सकता है, अल्लाह के साथ की हुई तजारत में खसारा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर तावाना।